हरदा। युवाओं की टोली एकत्रित करती है फूल, फिर देवी के लिए बनाती है आकर्षक मालाएं। नगर में भक्ति की अनूठी परंपरा, भीलत बाबा समिति 23 वर्षों से निभा रही परंपरा। नगर का दुर्गोत्सव अपने अनूठे पंडालों के निर्माण, सौंदर्य और कलाकृति के लिए समूचे प्रदेश में पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पर युवाओं द्वारा माता की भक्ति भी अनूठी और अद्वितीय की जाती है। नवरात्रि उत्सव प्रारंभ होने से लेकर दशहरे तक प्रत्येक दिन युवाओं द्वारा विभिन्न शहरों से चुने हुए फूलों की मालाकार बनाकर दुर्गा प्रतिमाओं को भेंट करते हैं। हरदा जिले के खिड़किया नगर में प्रतिवर्ष नवरात्र पर्व पर देवी पंडालों व मंदिरों में नगर के युवा फूलों की मालाएं निःशुल्क पहुंचाने की सेवा करने की परंपरा निभा रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास, उत्साह, उमंग, आस्था और समर्पण के पुष्पों से सुसज्जित ये मालाएं शहर में लगभग 2 दर्जन स्थलों पर निःशुल्क वितरित की जाती है। नगर के वार्ड 1 किसान मोहल्ला की श्री भीलत बाबा फूल माला समिति द्वारा पिछले 23 वर्षों से खिड़किया नगर में निःशुल्क माला माता रानी को चढ़ाई जाती है। दूर दूर से रात में फूल लाकर दिन में माला बनाई जाती है। समिति के सदस्यों ने बताया कि युवा की टोली रात भर गांव-गांव, डगर-डगर और खेत खलिहान से लेकर जंगलों तक घूम घूम कर फूल एकत्रित करते हैं। कुछ टोलियां बाइक से टिमरनी, छिदगांव, पगधाल, बानापुरा, भैरोपुर, डोलरिया तक जाते हैं। ज्यादातर सफेद चक्री के फूल लाए जाते हैं। वही माला की साज सज्जा के लिए गुलाब, मोगरा, गुड़हल सहित कई सुंदर फूलों को भी एकत्रित करते हैं। खिड़किया नगर का दुर्गोत्सव अपने अनूठे पंडालों के निर्माण, सौंदर्य और कलाकृति के लिए समूचे प्रदेश में पहचाना जाता है, लेकिन यहां पर युवाओं द्वारा माता की भक्ति भी अनूठी और अद्वितीय की जाती है। नवरात्रि उत्सव प्रारंभ होने से लेकर दशहरे तक प्रत्येक दिन युवाओं द्वारा विभिन्न शहरों से चुने हुए फूलों की मालाकार बनाकर दुर्गा प्रतिमाओं को भेंट करते हैं, जिससे उनकी भक्ति देखते ही बनती है। पूरे 9 दिन नंगे पैर उपवास रखकर युवाओं द्वारा रात रात भर फूल एकत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद दिन भर बैठकर मालाओं को निर्माण किया जाता है, जिसके बाद वापस से फूल चुनने के लिए युवा निकल जाते हैं। माता की भक्ति करने की अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 55 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई यह अनूठी भक्ति आज के युवाओं द्वारा बरकरार रखे हुए है। भीलत बाबा समिति किसान मोहल्ला के सदस्यों द्वारा बताया गया कि करीब 23 सालों से यहां परंपरा चली आ रही है। अब माला निर्माण का पुनीत कार्य में 6 से 7 मंडलों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मंडल में 40 से 50 सदस्य हैं। यह परंपरा बनती जा रही है। नगर में दुर्गोत्सव की स्थापना से ही मालाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जिसके बाद प्रतिदिन मालाओं को शोभा यात्रा के रूप में बैंडबाजों के माध्यम से भ्रमण कर पंडालों पर लेकर माताजी को भेंट किया जाएगा। रात में फूल चुनते और दिन में बनाते हैं माला। श्रद्धालु रात में विभिन्न स्थानों से फूल एकत्र करते हैं और दिन में माला बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। माला तैयार कर रात्रि में प्रतिदिन अलग अलग दुर्गा प्रतिमाओं को ढोल बाजों के साथ माला भेंट करते हैं और फिर रात्रि में फूल बटोरने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार यह रात दिन माता की भक्ति में जुटे रहते हैं। श्रद्धालु रात में फूल चुनने के लिए हरदा जिला ही नहीं अपितु समीप के सिवनी, खातेगांव, इतारसी, छानेरा, टिमरनी, चारखेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फूल चुनने रात्रि में जाते हैं। पूर्व में इन्हें रात्रि में फूल तोड़ने पर पुलिस द्वारा रोक लिया जाता था, लेकिन अब उन्हें थाने से पहचान कार्ड भी जारी किए जाते हैं। इन भक्तों में कई भक्त नंगे पैर भी होते हैं और अन्न ग्रहण भी नहीं करते हैं। वर्तमान में भीलत बाबा किसान मोहल्ला समिति, इमली वाले बाबा आनंद नगर माला समिति, काली माता मंदिर समिति सहित अन्य के द्वारा मालाओं का निर्माण किया जा रहा है। मालाओं को देते हैं शुभ आकृतियों का आकार। सफेद फूलों की मालाएं अमूल्य और अद्वितीय होती है, जिसकी बनावट अपने आप में ही अलग होती है, जिसके लिए विभिन्न शुभ आकृतियों स्वरूप की मालाएं मंडलों द्वारा बनाई जाती है। मालाओं को स्वरूप विभिन्न शुभ चिन्हों स्वास्तिक, कलश, शुभ लाभ, पगलेन, त्रिशूल सहित अन्य चिन्हों पर आधारित भी होता है। माला भी ऐसी बनाई जाती है कि जिसे बाजार में किसी भी मूल्य पर नहीं खरीदी जा सकती। पूर्व में माला समितियों द्वारा नगर के पंडालों पर मालाएं भेंट की जाती थी, लेकिन अब हरदा, होशंगाबाद सहित अन्य शहरों तक समिति सदस्यों द्वारा अपने खर्चों पर माताजी का मालाएं भेंट की जा रही है। हरदा से अंकुश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जय माता दी। भीलड़ा उत्सव समिति किसान मोहल्ला खिड़किया में माला बनाई जाती है, जिससे हम फूल अन्य दूर से लेके आते हैं, छनेरा, हरदा, टिमन्नी, बनापुरा, अन्य गांव से। हमारे साथ 60 सदस्य है, जिसमें बच्चे बड़े सभी सेवा करते हैं। हमें 23 वर्ष हो चुके हैं माला बनाते बनाते। शाम को 7-8 बजे माला निकाली जाती है गांव में भ्रमण करते हुए ढोल बाजे के साथ में।
जय माता दी।